किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम पंकज कुमार वर्मा है। पहले भी मैं कई बार आप लोगों से रूबरू हो चुका हूँ और मैंने वेस्ट डिकम्पोजर और उसके कई प्रयोग बताए हैं जो मैंने खुद किया है। अभी रबी का मौसम आ गया है, खासकर सब्जियाँ वगैरह लगाई जा रही हैं और क्या कहते हैं, सरसों है, आलू है, कई रबी के फसलें हैं जो लगाई जा रही हैं। तो किसान भाइयों, इसमें आप लोगों को आज मैं बताऊंगा कीटनाशक का प्रयोग। सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक या जैविक खेती में कीटनाशक के संदर्भ में किसानों को परेशानी होती है। दूसरा ये है कि मेरा एक संदेश ये है कि पराली ना जलाएं। आप वेस्ट डिकम्पोजर से अपने पराली को खेत में बिछाकर उसमें हल्का सा नमी देके और 3-4 बार अगर एक 4-5 दिनों के गैप में प्रयोग करेंगे तो वो पराली आपके खेत में ही गल के और जैविक कार्बन बनेगा, जो काफ़ी खेत के लिए फ़ायदेमंद और आपकी खेती के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। अगर आप जलाते हैं उसको तो वातावरण भी दूषित होता है, आपके आसपास का जो वातावरण है, आपके शहर का, आपके देश का, सब दूषित होता है, प्रदूषित होता है, बीमारियाँ फैलती हैं, लोगों को सांस की बीमारियां और दुनिया भर की बीमारियां होती हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप पराली ना जलाएं, बल्कि वेस्ट डिकम्पोजर से उसका अच्छा आप ट्रीट कर सकते हैं, अपने खेतों को और ज़्यादा फर्टाइल बना सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कीटनाशक की, तो कीटनाशक जो है अभी मैं कई बार आपने जान लिया होगा, पत्तों से बनाना, छाछ का प्रयोग करना और भी कई तरह के, नीम का है, नीम खली है। परंतु किसान भाई क्या करते हैं, कीटनाशक का मैंने देखा है, कई मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं, कीटनाशक एक बार बनाया, प्रयोग किया, बोलते हैं कि ख़त्म नहीं हुआ। ऐसे नहीं होता है, कीटनाशक का आपको देखना पड़ता है। एक प्रयोग करिए, उसके 4-5 दिन के बाद अगर उसमें कमी नहीं आती है तो दोबारा प्रयोग करिए। सबसे बड़ी बात यह है कि कीटनाशक जो है जब शुरू में दिखे तुरंत प्रयोग करिए। जैविक में ये होता है कि जब पूरा फैल गया तो कंट्रोल करना मुश्किल होता है कीटों का, जो आपके पौधों को ख़राब करते हैं, इनका कंट्रोल बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसको शुरू में ही आप इसका कंट्रोल करें, तब ताकि ये आप फैले ना और पौधों को नुकसान ना हो और आपको लाभ हो। दूसरी बात ये है कि एक और चीज़ बताता हूँ, आप इसमें तंबाकू के पत्तों का भी एक अलग से बना सकते हैं काढ़ा। तंबाकू का पत्ता जो है उसको 2-4 किलो लेके और रात को आप उसको गर्म हो, खूब गर्म कीजिए, खूब उबालिए और ढक के उबालिए, ढक के 2-2.5 घंटे उबालिए, उसी में ठंडा होने दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा लग गया है जो कंट्रोल से बाहर है तो इसका छिड़काव करिए, ठीक है, इसको 25% 30% मिला के टंकी में और इसका छिड़काव करिए। और छिड़काव करने का मतलब है कीटनाशक छिड़काव का, चाहे जो भी कीटनाशक का प्रयोग करें जैविक, उसका बिल्कुल उस पौधे को स्नान करा दें, हर पत्ते पत्ते में दें। अगर आपने ऐसे छिड़काव कर दिया तो कई बार वो पत्तों में छिप कर बच जाते हैं कीट, खासकर कैटरपिलर टाइप के जो कीट हैं, ये तंबाकू वाले कीटनाशक से मर जाएंगे या भग जाएंगे। दूसरा ये है कि कीटनाशक का प्रयोग करते हुए एक आप स्प्रे करिए, उसके 4-5 दिनों के बाद फिर से एक बार अपने पौधों को देखिए, अगर ज़रूरत लगी तो दोबारा प्रयोग करिए और दोबारा प्रयोग से निश्चित रूप से कमी आएगी। और इसका प्रयोग 2-3 बार गैप में तब तक करिए जब तक कि पूर्ण रूप से ये आपके वो ख़त्म ना हो जाए। दूसरा, कुछ गेंदे का पौधा ज़रूर लगाइए, कुछ फूल के पौधे लगाइए जिससे वो सुगंध वाले, जिससे कीट जो हैं उसकी ओर आकर्षित हों। तीसरा, आपके घर में वो प्लास्टिक का जो बॉटल होता है कोक का 2 लीटर वाला, वो फेंका रहता है, उसका बहुत अच्छा यूज हो सकता है, उसका मुहाना काट दें। और जो एक कीप होता है जिससे आप तेल वगैरह डालते हैं, उसको उस बॉटल में डाल के और ऊपर एक तार से बांध दें उसको, उसी तार पे एक दिया जला दें शाम को, उस बॉटल में पानी भर दें, उससे भी कीट जो है ना अट्रैक्ट होके दिए पर, और आप सुबह देखेंगे पानी में भरा रहेगा आपका कीट।
तो कई प्रकार के तरीके हैं जो घर में ही उपलब्ध हैं, इसके लिए बाजार जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मिट्टी का तेल या सरसों का तेल या जो एक कीप आता था पहले प्लास्टिक का, 2-4-5 रुपए में देता है, ये बॉटल जो है कोक का ये फेंका रहता है, इसका मुहाना काट दीजिए और उसी में रखिए वो कीप, और उसको पतले तार से उसको बांध दीजिए बॉटल में कीप को, और उसी तार के ऊपर एक बड़ा सा दिया शाम को जलाकर और खेत में अपने 2-4-5-6 जगह रख दीजिए। हाँ, उस दिया जलाने से और कीप डालने से पहले आधा बॉटल में पानी भर दीजिए, ताकि वो जो कीड़े अट्रैक्ट होके आएंगे वो उस बॉटल में जाएंगे और फिर वो वहीं मरेंगे, वो आपके पौधों के नुकसान में वो भी कमी करेगा। फूल के पौधे जो सुगंध वाले हैं, जैसे गेंदा है और भी कई पौधे हैं, वो भी कीटों को अपनी ओर अट्रैक्ट करके ख़त्म करता है। दूसरा, प्लास्टिक का जो है, प्लास्टिक एक आता है, प्लास्टिक में आप ग्रीस लगा दें और जगह जगह अपने खेत में उसको डंडे से खड़ा कर दें, उसमें भी चिपकेंगे आपके ये छोटे छोटे कीट और पौधों को उससे राहत मिलेगी। इसके अलावा जो कीटनाशक मैंने बताया है या आपने और विगत वीडियो में देखा है या और भी राष्ट्रीय जैविक संस्थान में कीटनाशक बनाना बताया है, उनका प्रयोग करें। पर ऐसा ना करें कि एक बार प्रयोग किया और उसके बाद कहा कि जी कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि आपके खेत में कीट बहुत ज़्यादा फैल गया है, आप दोबारा 4-5 दिन के बाद दोबारा प्रयोग करें, फिर देखें कमी हुई है कि नहीं, फिर तिवारा प्रयोग करें। और दूसरी बात है, कीट जो हैं एक ही चीज़ के प्रयोग से अपने आप को अपने अंदर प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं। इसलिए क्या होता है, एक ही चीज़ का प्रयोग करेंगे तो वो कीटों पे असर कम हो जाएगा। तो ये जो 4-5-6-7 चीज़ें बताई गई हैं कीटनाशक की, अलग अलग बना कर रखें, पहले से रख लें और पौधों में जैसे ही दिखे कीट उसका प्रयोग करना शुरू कर दें, अलग अलग करेंगे। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है प्रतिदिन डालें, उससे एसिडिक होता है, वो पौधे में नुकसान भी कर देगा। तो उसको एक बार डालने के बाद 4-5 दिन का उसमें गैप डालें। धन्यवाद। मेरा नंबर तो पता ही है आपको, फिर से मैं नंबर आपको बता देता हूँ, 9811667870, आप व्हाट्सएप करें। धन्यवाद।